नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान रो गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस रो तदंत करबा को आसी हरड़ घणा रे पुलिस बोलगड़ थाना गाड़ी को अटक रखिले ग्रामवासी गिरफ्तारी को विरोध करी पुलिस ऊपर आक्रमण दुई पुलिस कर्मचारी आहत सेपटे घर पड़ी को केन्द्र करी भद्रक रे पुलिस को घेरिले उत्त्यक्त लोके गजपति पुणि जननी जंत्रणार चित्र रास्ता नथिबारु आसी पारिलानी आंबुलांस तीन किलोमीटर दोलार बुआ हेले प्रसूति नवजात स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न हेबारु बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतर आजि डीजीपी सम्मेलनी रे उद्यापनी अधिवेशन को संबोधित करिवे प्रधानमंत्री मोदी पुलिस टॉप रो आधुनिकीकरण उपरे देबे मंत्र सम्मेलनी रे साइबर अपराध डाटा गवर्नेंस आतंकवाद मुकाबला उपरे गुरुत्व आज राजस्थान सरकार रे कैबिनेट पुनर्गठन शपथ ग्रहण उत्सव रे 11 जन कैबिनेट 4 जन राष्ट्रमंत्री पदर नेबे शपथ शनिवार पूरा मंत्रिमंडल देइतिला इस्तफा भारतीय नौसेना को मिलिबो शक्ति आज नौसेना रे शामिल हेबो आईएनएस विशाखापट्टनम मुंबई रो नाभाल डॉकयार्ड्स रे आयोजन हेबो स्वतंत्र उत्सव जोग देबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आजि असल छाड़ खाइ रविवार आमिष बजारे जमिलाणी लोकों गहळी गतकाली शनिवार थिबारु मांदा थिला व्यवसाय कोरोना कटकणा कोहळ थिबारु खुशी रे व्यवसाय एवं आजि जो दक्षिण ओडिसा रे बर्षी बढ़िबो वर्षा राज्य रे आहुरी 2 रु 3 दिन कोहला पाग सह हालुका वर्षा नै पूर्वानुमान रात्रि तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबार संभावना 4 दिन जाय अनुभव हेपनि विशेष शीत बुलेटिन आरंभ करिबा एक अभावनीय खबर भद्रक रे घर पड़ी पूर्व शत्रुता जो बंधगां पंचायत पांचपड़ा गाँव में घर पड़ी गाँव मंजुलता राव घर पड़ा जाइछि तेबे घटना को नहीं स्थानीय अंचल उत्तेजना देखा मिली पुलिस गाड़ी आगे परिवार धारणा देवास पुलिस को घेरी उत्त्यक्त लोके ग्रामांचल पुलिस घटनार तदंत जारी रखी काली राती रे से जो उपेन्द्र महांति डाकिकी कहला आज तुम माँ छुआ चार जन मर तुम वंश निपात करमी कहीकि सेपटर निआ नगे एपटर कबाट दे कि पलैला पुलिस आगे धारणा कहन पाई पुलिस की राति फोन करागला आसिले नहीं आम न्याय खोजुचु जे अरेस्ट होना ना एफआईआर रहीकि भी सी आसिक मत मारे मो वंश निपात करने चाहूँ से आम ये धारणा देचु पुलिस आगे सीए तर कौन से मो स्वामी सांगे प्रॉब्लम रही सीए सीए बुझाबुझी करेंगे ताकि छुआ पा मारिदेबे ना जे गाँव बाला भी बाहर गाँव बाला भी शत्रुता भद्रक प्रतिनिधि दीप्तरंजन साहू आम सहित फोन लाइन चौकी जोड़ी आलोचना करने दीप्ति जानवा को चाहेबू जो प्रकृत में कहीं संप्रक्त महिला जो अभियोग आणुंट घर को कहीं पोड़ दि जाए प्रकृत में यह पचर केवल पूर्व शत्रुता ही कारण ना अगर कौन सी कारण अच्छी पुलिस जो बड़े पहुंची पुलिस कौन कौच बाबदे निश्चित भावे देखु जदि देखा भद्रक जिला जो अच्छी भद्रक जिला ग्रामांचल थाना अधीनस्थ बंदगां पंचायत जो पंचपड़ा अच्छी पंचपड़ा ग्राम रे मंजुलता राव नामक महिला अच्छा जेहेतु से ही ग्राम रे मंजुलता राव जो तांको स्वामी पूर्वर किसी लोकों पाखु यो लोक जो वीरेन्द्र जो कुमार वीरेन्द्र कुमार महांति रही पाखु किसी टंका करज नहीं टाइम अनुसार सुझी पारि नवर्त समय यही टंका से बाहर को दादन खटिया जाते से कही या भितर तुरंत सुझीदे तथापि वीरेन्द्र न मानि गुंडागर्दी करुला से ग्रामांचल जो रही पांचपड़ा ग्राम से व्यापक भाव में गुंडागर्दी करुले समस्त सहित ग्राम ग्रामवासी सहित झगड़ा कर दादागिरी करुले जो जो गत काली जो घर पुड़ी जाइए जो मंजुलता रावर पूर्व आमक चमक देते धमक चमक दवा पर पूर्व पैसा मागिते जेहेतु से कही स्वामी आणिकी देवे जहां सूचना देते स्वामी बाहर को जाती किसी दिन
दिन भितर पैसा सुझ देवे बोली परवर्ती समय जिते मंजुलता राव घरे एकला सुजोग देगी जहां अभियोग कर मंजुलता राव को वीरेन्द्र कुमार महांती जे अच्छा अश्लीन व्यवहार करते टणा घुसुड़ा करते जहां सूचना रही से ही टणा घुसुड़ा को लेकिन मंजुलता राव किसी दिन तले एफआईआर करते जो ग्रामांचल थाना में किंतु पुलिस कार्यानुषान शून होता है पुलिस कौन कार्यानुषान नहीं ना जहाँफल कि गत का राति में मंजुलता राव शुवा अवस्था घर बाहर पटु कबाड़ घर पोड़ी वीरेन्द्र महांती घर पोड़ी जहाँफल कि ग्रामवासी तरफ बारंबार पुलिस को जनईले ए विषय में जो गुंडागर्दी करुद्ध कार्यानुषान ना नवेदन करते दाबी रखी है किंतु पुलिस जो ग्रामांचल पुलिस एपर्त वीरेन्द्र महांती के धरी पार ना जहाँफल गत का वीरेन्द्र महांती मंजुलता राव घर आसिक निआ लगे जहाँफल कि आज ग्रामांचल गाँव उत्तेजना लगी रही पुलिस गाड़ी आगे धारणार बस पर हैंडिकेप मंजुलता राव हैंडिकेप छुआ को धरिकी पुलिस गाड़ी आगे धारणार बस ग्रामवासी मैंने पुलिस को घेरी बर्तमान ग्रामवासी उत्तेजना देखा कहीं जानवा चाहिए कहते जो वीरेन्द्र महांती जहां ना महिला जनक अभियोग आणुंच जो व्यक्ति जनक घर पोड़ी थोड़ा पूर्व शत्रुता को नहीं जो सीधा सड़क ना सामना को आसुची कम से कम पुलिस धरीपे कहीं विफल ना सी के आड़े गायब हो गले पत्ता पाउनी पुलिस ना सी कौन प्रभावशाली व्यक्ति जो देहरे हाथ लगे पार नहीं पुलिस एमती किसी कारण बर्तमान समय सामना को आसुची कि कहीं पुलिस से जाए धरी पारनी निश्चित भाव निवेदन देखु पुलिस तो एपर्त कौन पुलिस प्रतिक्रिया रखी ना एपर्त किंतु जहां सूचना मिलू जेहेतु से प्रभावशाली पारती बैकग्राउंड पक्षपटर भी प्रभावशाली लोक हाथ रही जहाँफल कि पुलिस कार्यानुषान नहीं कहीं पूर्व जिते अभोग कर मंजुलता राव ना अभोग कर पुलिस थाना कि पुलिस कौन कार्यानुषान ग्रहण करना जहाँफल कि से पुणी थे घर पोड़ी मारिदे उद्यम करा को नहीं आज ग्रामर उत्तेजना लगी रही है और ग्राम जो लोक मैंने रही पुलिस को घेरी या पूर्व ग्राम सभार भी कथ पड़ी कि जेहेतु बाइकट करता विरुद्ध में समस्त ग्रामवासी मैंने एकजुट होती एकजुट हो पुलिस को जोड़ा पर भी कार्यानुषान ग्रहण करना ग्रामांचल विडंबनार विषय जिते अभियुक्त ना सामना को आसुची सीधा सड़क महिला जनक ना सामना को आणुंट तेज कहीं पुलिस धरवे विलंब करुच्ची ना ये पचर कौन प्रभावशाली व्यक्ति संप्रुक्ति अच्छी जो देहरे हाथ लगे पार्नि पुलिस जहाँ को नहीं स्थानीय लोके अभियोग कर बहुत बहुत धन्यवाद दीप्रंजन साहू भद्र प्रतिनिधि आम सहित आलोचना करुले परवर्ती खबर को आसवा श्रीमंदिर सुरक्षा भक्त मानी आनुषंगिक सुविधा सुजोगर विकास करने लक्ष्य यार चतुर्पार्श्वे 75 मीटर परिसीमार श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर शुभारंभ निम्ते आज श्रीनगर में गजपति महाराज गुआ टेका नीति समापन कर गजपति राजगुरु को प्रथम आचार्य भाव स्वीकृति प्रदान कर यज्ञशाला से हे प्रथम आचार्य श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वर उन्नतीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य त्वरान्वित हो आज 33 जन ब्राह्मण को वरण हो संध्या अंकुरारोपण कार्यक्रम अनुष्ठित हो आसंता काली 22 और 23 दुई दिन धरी श्रीमंदिर उत्तर पूर्व ऐशण कोण से यज्ञ अनुष्ठित हो आसंता 24 तारीख दिन यज्ञ पुनरावृत्ति उत्सव अनुष्ठित हो दिन शिलान्यास उत्सव अनुष्ठित हो शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोगदेवार कार्यक्रम रही पवित्र मार्गशीर कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प शिलान्यास पूजा विधि यज्ञ विधि शुभारंभ है श्रीनगर में गुआटका विधि द्वारा यही गुआटका विधि रे गजपति तांकर प्रथम राजगुरु सुधांशु शेखर राजगुरु को आचार्य भाव में वरण कले यज्ञ कार्य आरंभ करने और या पर हमारा सब यज्ञ प्रिपरेटरी एक्टिविटीज आरंभ हो और सब जो ब्राह्मण मैंने और गजपति महाराज जंकर गाइडेंस रे सबू ब्राह्मण मानकर जो भी से मैंने डिसाइड कर हमारा ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स अनुसारे जहाँ भी ट्रेडिशनल रिचुअल अनुसार डिसाइड कराई थी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब रे और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब रे पूरा पूरी पछरे अच्छू और सबू लाइट रे कोऑपरेट कर
गतकाल शनिवार माड़ खाई छाड़ खाई आमिष बजार में नथिला भिड़ शनिवार अधिकांश लोके आमिष खाउ नथिबारु बजार खा खाथिला तबे आज रविवार थिबारु आमिष बजार में प्रबल भिड़ देखा मिली शनिवार छाड़ खाई पाए नथिबारु लोक आज बजार को आसी आमिष किणुछन्ति ब्रह्मपुर छत्रपुर गंजाम आमिष मार्केट रे आमिष किणिबा पई लोकक गहळी देखा मिली ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि विस्मय प्रधान आम सहित जोड़ विस्मय गत काली जदिओ छाड़ खाई जेहेतु शनिवार रही है कोटना कोटे अधिकांश लोके शनिवार आमिष खाऊ ना जो समस्त अपेक्षा रही है रविवार को आज मार्केट रे केते गहली आप देखुं विशेषकर कटक अच्छी ना ना कहीं जदिओ स्थिति वर्तमान स्वाभाविक अच्छी किंतु समस्त को कटक मानवा पड़ा चित्र कौन देखुं मार्केट रे आप निवेदन देखो गत काली जेहेतु शनिवार पड़ जाता छाड़ खाई पड़ता तेणु शनिवार कई कई आईस आमिष खाते से गत काली मार्केट पूरा मंदा था आज जेहेतु रविवार पड़ी आज हूँ असल छाड़ खाई कहीं आज सका जो भाई देखिए मार्केट प्रबल गहली था कि गहली को दृष्टि रखी स्थानीय पुलिस जो आम अच्छे छत्रपुर मार्केट स्थानीय पुलिस आज किसी बुझाशुझा करता कि बरफी समय मार्केट टी मंदा पड़ी जो भाई ग्राहक मैंने कमी जो भाई देखी पारे सीधा छोड़ जे पूरा गहली जो भाई सका जो भाई लगी रही था कि बर्तमान कोटना कोटी गहली टे कमी विभिन्न प्रकार माछ कथा कह मार्केट मिलता है रोहित धरी भाकुर जो भाई विभिन्न प्रकार माछ मिलता है मटन सहित चिकेन मिलता है कितु आज जेहतु छाड़ खाई रही छाड़ खाई टी मार्केट पूरा सकाल जेहतु गहली था मार्केट आज रेट अच्छी कहीं जो भाई गत काली कि दुकान खोल ना कि आज दुकान खोलती तो सीधा सख्त आम गोटे व्यवसायी प्रतिज्ञा देवा कह कह आज्ञा आज कैसे देखुन मार्केट गत काली जेहतु शनिवार छाड़ खाई ना का जो मार्केट था आज से मार्केट खाली पूरा ये थला लूज थला व्यवहार आज फ्री अच्छे व्यवहार आसान रूप व्यापार आज खास कर व्यवहार भी ना आज शनिवार छाड़ खाई ना आज कौन आज टे मे धरलु छाड़ खाई ना के दिन है कार्तिक मास है सब छाड़ी थी आज छाड़ खाई जेहेतु गोटे खुशी विषय से आज गोटे खुश लगे रविवार पड़ थी छुट्टी भी ऑफिस पर विषय छुट्टी अच्छी केमती हो रेट रोची मान रेट सो समान अच्छी रेट ऊपर से विशेष किछ एता नै भलो अच्छी मार्केट भी सब आइटम भी सब फ्रेश आछी आज बहुत खुशी लाउछ आज छाड़ खाटा कोन कोन आज्ञा देखो जति विभिन्न प्रकार आपन वैरायटी वैरायटी मतलब चिकन रखछनी मटन रखछनी कोन कोन सब रेट अछि किन चिकन रे भलो रेट अछि 2 टका पर किलो अछि लाइव 160 टका अछि मटन रखिलो 700 टका अछि खासी 800 टका अछि भल भल जिन मार्केट नुआ नुआ माल अच्छे देखिए कड़कनाथ कह बणराज कथ कह विभिन्न प्रकार मार्केट अच्छी सब लोग कौट पसंद कर सब ब्रॉयलर को पसंद कर देसी पसंद कर बहुत आज्ञा प्रतिज्ञा सुनते जो भाई विभिन्न प्रकार जो वैरायटी वैरायटी कुकुड़ा चिकेन कथा कह कड़कनाथ गणराज विभिन्न प्रकार चिकेन अच्छी किंतु आज जेहतु रविवार रही कहीं रविवार आमिष बार बोली कहु भाव देखते जो भाई विजय कैमरा पसंद देखी माछ मार्केट जो रही खाली माछ मार्केट को लगे चिकेन मार्केट अच्छी मटन अच्छी विभिन्न प्रकार वैरायटी वैरायटी माछ कहीं एठा को पाखापाखी एठार 40-50 खंडर गाँ ये मार्केट को डेभलप करते आठी प्रत्येक दिन गहल लगता है कितु आज जेहतु छाड़ खाई रही आज टी अधिक गहल रही है सकाल समय कथ देखिए आप विजुअल देख पारे जो भाई आप गहली था बर्तमान टी गहली कमी सत कि लोक मन आज जो आमिष अच्छी आमिष जेहतु समय एगारटा पर विशेष गहली सका देखा मिलता है जेहेतु सका समय समस्त मार्केटिंग आसी था जहाँ रेट आप कहते आज टी उच्च रेट रही जेहेतु समस्ते आज ही अपेक्षा करते रविवार आसपू आम छाड़ खाई पालू जो सका मार्केट गहली कि मार्केट गहली कमी मार्केट रे बहुत बहुत धन्यवाद विस्मय प्रधान आम ब्रह्मपुर दासक आम प्रतिनिधि आमको माछ मार्केट अर्थात आमिष मार्केट चित्र देखाउले जे केमती सेठारे गहली चित्र परिलक्षित होउछे। बोलगढ़ थाना पुलिस गाड़ी को अटक रखिले ग्रामवासी बोलगढ़ पंचायत मरदाबाड़ी ग्राम से देखा मिली एभली घटना मरदाबाड़ी ग्राम से एक चोरी मामलें पुलिस दुई दिन तले तीन जन व्यक्ति को थाना अटक रखी तदंत जा समय ग्रामवासी उत्तेजित हो पुलिस गाड़ी को अटक रखा सह पुलिस कर्मचारी को ठेलापेला करते घटनास्थल में दुई पुलिस कर्मचारी आहत होती पर स्थानीय लोक प्रतिनिधि हस्तक्षेप पर ग्रामवासी अटक रखिता पुलिस कर्मचारी को छाड़ी एपर्क में बोलगढ़ थाना अधिकारी घटनास्थल को उपस्थित थे तेरे एपर्त एपरी किसी हो कि नहीं एड़ा जाऊँगी आईआईसी को एपरी नीरवता एवं विभिन्न महल में प्रश्नवाची सृष्टि कर।
आगक जारी रही खबर बुलेटिन समय एक छोट ब्रेक र ब्रेक पर स्वागत। गजपति जिला रे पुणी जननी जंत्रणा रास्ता नथिबारो आसी पारिलानि आंबुलांस आउ 3 किलोमीटर दोळारे बुहाले प्रसूति नवजात शिशु। गजपति जिला बोहना ब्लॉक कोहुएरी गांव आसी एपड़ी दयनीय चित्र। गत 15 तारीख रे एक पुत्र संतान जन्म देते शकुंतला मल्लिक अधिक रक्तस्राव होबारु शुक्रवार अवस्था गुरुतर होता तेरे गांव को रास्ता नथिबारो दोळा करी दीर्घ 3 किलोमीटर गंडापदर पर्यंत आनिथिले परिवार लोके सेठारु एक ऑटो भड़ा करी तांको स्वास्थ्य केन्द्र निया जायतिला। सेठारे स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न होबारु तांको बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा जायछि। सोनपुर बिनिका मुख्य रास्ता कर्तंग छक गंजे बोझे गाड़ी जबत 62 केजी गंजे जबत कर ड्राइवर को गिरफ्त कर पुलिस अभियुक्त को कोर्ट चलाण कर गंजेर चोरा चलाण होता खबर पाई अबकारी विभाग बिनिका मुख्य रास्तार कर्तंग छक निकट में लुचि रही है। ठीक से ही समय बोलेरो गाड़ी को अबकारी स्टाफ अटक जांच कर उत्तर प्रदेश लखनऊ में आरंभ होता दुई दिनिया पुलिस महानिर्देशकों 56वां सम्मेलन आज शेष दिन शनिवार प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मेलन में जोग देता बेले आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लखनऊ में आरंभ होता पुलिस महानिर्देशकों 56वां सम्मेलन में गतकाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल उपस्थित रही थे। विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित अंचल पुलिस महानिर्देशक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी और केन्द्रीय पुलिस प्रतिष्ठान महानिर्देशक सम्मेलन में जोग देते सम्मेलन में साइबर अपराध डाटा गवर्नांस आतंकवादी कार्यकलाप मुकाबला उग्रपंथी कार्यकलापर दमन और कारगा संस्कार आदि विभिन्न विषय में आलोचना कर आज उद्यापनी दिन में सम्मेलन को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी पुलिस सेट अपर आधुनिकरण मंत्र देते 2014 पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डीजीपी सम्मेलन में आग्रह रही पूर्वपरि केवल सांकेतिक उपस्थित विपरीत प्रधानमंत्री मोदी डीजीपी सम्मेलन समस्त अधिवेशन में व्यक्तिगत भाव सामिल हो एक स्वतंत्र और मुक्त आलोचना को प्रोत्साहित करुछन्ती पुलिस अधिकारी को देश को प्रभावित करुवा प्रमुख नीति और आभ्यंतरण सुरक्षा पर प्रसंग में सीधा प्रधानमंत्री को अवगत कराइबार सुजोग प्रदान कर प्रधानमंत्री मोदी उद्यम पर ही 2014 पूर्व केवल दिल्ली में आयोजित होता यह सम्मेलन एणिकी प्रतिवर्ष देशर भिन्न भिन्न स्थान में आयोजित हो। आम ग्राम विकास योजन दुर्नीति ब्लॉक अध्यक्षा मनोमुखी कार्य हताश होती पाठागार निर्माण कर ठिकादार जगत सिंहपुर ब्लॉक सालीचंग पंचायत जोत मुस्लिम बस्ती पांच नंबर वार्ड्रु आसी अभियोग आम विकास योजन दुर्नीति इस्लामिया कल्चरल क्लब और लाइब्रेरी निर्माण में जालियाती काम सर होनी बिल बकेया क्लियर नकले आत्महत्या करने को धमक जगत सिंहपुर ब्लक सालीजंग पंचायत जोत मुस्लिम बस्ती पांच नंबर वार्डर कल्चरल क्लब और लाइब्रेरी निर्माण को आम गांव विकास में अंतर्भुक्त कर ब्लक निर्वाही अधिकारी ना कार्यादेश दि जा स्थानीय अंचल मिर्जा श्यामसुद्दीन बेग यार काम करते काम शेष पर्याय पहुंचा पर बिल करने ब्लक अधिकारी जन श्याम मात्र परवर्ती पर्यायर विडीओ और अध्यक्षा बिल करने मना कर कोठा निर्माण में पखापाखि 3 लाख टंका खर्च कर श्यामसुद्दीन एवं अर्थ नपाई हताश जदि आगामी दिन में बिल न मिले तबे ब्लॉक आगे धरना देवास आत्महत्या करे से धमक दे समस्त गाँव वाला पचारे कौन भाई भाई से कम कला लक्ष लक्ष खर्च कला मूलिया पैसा बाकी अच्छी भी कहे पैसा देवुनि आम हाथ गोड़ जोड़ू भाई पैसा दे दिए गरीब मूलिया मैंने अच्छा से कहला देवुनि से जहाँ को आप कम्प्लेन कर गरीब लोक एपर्त मूल लोकर दे पार लोक मूल दे पार ये जो प्रशांत बेहरा अच्छा चेयरमैन स्वामी आज्ञा यहाँ पूरा जगत सिंहपुर ब्लकटारे कोटि कोटि टाँग दुर्नीति कर
ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଇ ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ମାନେ ଗୁହାରି କରୁଛି ଯେ କି ଆମର ଏ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ ପଚାରିକି ଉପର ସ୍ତରରେ ଦେଇକି ତଦନ୍ତ କରି ଆମ ବିଲ୍ଟା କିପରି ମିଳିବ ସେଟା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ପାଇ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପାଠାଗାରଟି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ବେଆଇନ ଭାବରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ହାରାହାରି 10,000 ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ପଇସା ପାଇନି, କ'ଣ ଦେଲା 500,000 ଏମିତି ଦେଲା, ଆଉ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ବିଲ୍ ପାଇଲେ ଦେବି ଆଉ। ବିଲ୍ ହାରାହାରି 500-600 ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଘର ପୁରା, ଆମେ ଏଠୁ ଘରଠୁ ଛାତ ଯାଏ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି। ସେ ଲୋକଟି ତାର ମନ ମୁତାବକ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରିଦେଇଛି ଘରଟି, ତେଣୁ କୌଣସି ଅଫିସର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ବିଧାୟକ କହିବେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ମୋ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କହିବି ନା? ବିଧାୟକ ଯଦି କ'ଣ କହିଥିବେ ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସେ ବିଧାୟକ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଲାଇବ୍ରେରୀ କୋଠା? କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ଦେବ କିଏ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 14 ସ୍କୁଲକୁ 5Tରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପୁନର୍ଗଠନ। ଶନିବାର ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ସରକାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 15 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ 11 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ 8 ଚେହେରା ନୂଆ ଥିବାବେଳେ 3 ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସେହିପରି 4 ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଇଲଟଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 4 ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ମିଳିବ ଶକ୍ତି, ସାମିଲ ହେବ INS ବିଶାଖାପାଟନାମ ଏବଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ବେଳା। ଆଜି INS ବିଶାଖାପାଟନାମ ନୌସେନାରେ କମିଶନର୍ଡ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ November 25 ସାମିଲ ହେବ ସବ୍ ମେରାଇନ୍ ବେଳା। ଏହା ଅବସରରେ ମୁମ୍ବାଇର ନାଭାଲ ଡକ୍ୟାର୍ଡରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ INS ବିଶାଖାପାଟନାମକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଇବେ। ଏହାପରେ 25 ଦିନ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ କରମବୀର ସିଂ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ବେଳାକୁ ସାମିଲ କରାଇବେ। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ନୌସେନାରେ INS ବିଶାଖାପାଟନାମ ଏବଂ ବେଳାର ସାମିଲକୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଅସହାୟ, ଲଘୁଚାପ ଓ କୋହଲା ପାଗ ନା ଶୋଇବାକୁ ଦେଉଛି ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୀତରେ ଶୋଇ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କେହି ଅସହାୟ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ରହିଛି ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ରାସ୍ତାରେ ଅସହାୟ, ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପ ଓ କୋହଲା ପାଗ ନା ଶୋଇବାକୁ ଦେଉଛି ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଅସହାୟ ବୋଲି ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଶୀତର ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କେହି ଅସହାୟ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ସମୟ ଶନିବାର ରାତି 11:30, ଏ ଥିଲା ରାଜଧାନୀର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ, ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ହେବ, ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଧା ଘୋଡ଼ା ଦେହରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ, ନିଜର 2 ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ଆହା ଆସିଯିବ। ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସାର୍ଟଟିଏ ପିନ୍ଧି ରାତି କାଟୁଛି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଏମିତି ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି?
ମୁଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲି, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅନ୍ଧାରୁଆ। ଏଠି ଯୋଉ ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହଉନି? କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଇଠି ତ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଆଉ ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲେ ସିନା କିଏ ଯାଇକି ରହନ୍ତା? ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଆସିବାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଲ୍ଟର ନେବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି? ତ ଆମେ ତ ସବୁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଡାଲି ଭାତ ଖାଇକି ରହିଛୁ। ଖାଇବା ଭଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଖାଇବା ଭଲ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଟି କଲେ, ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଲେ ମୋତେ। ସେଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ହଁ, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଶୀତର ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକେ କେତେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନେ ସେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନା ଦେହରେ ଅଛି ଭଲ କମ୍ବଳ ନା ଚାଦର, ଅଧା ଘୋଡ଼ା ଦେହରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଧରି ଧରି ବିତୁଛି ରାତି। ମୁଁ ଭାଇ ଏଇଠି ରହିବାର 5 ବର୍ଷ ହବ। 5 ବର୍ଷ ଖାଉଛ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ହୋଟେଲରୁ କିଣିକିରି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ପଇସା ପତ୍ର ବୋତଲ ଗୋଟା ଗୋଟି କରୁଛୁ, ବୋତଲ ଗୋଟା ଗୋଟି କଲେ କମ୍ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଗଲାରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ନା। ବିକ ମାଗିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ସିନା, ଆସସଳ ଆମେ ଯିବୁନୁ। ଡାଲି ଭାତ କିଏ ଖାଇବ? ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ଏମିତି ବିକ ମାଗିକି ଚା କପଟି ଏ ତାକୁ ଟିକେ ଆକୁ ଟିକେ ମାଗିକି ଖାଇଦେବୁ, ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବୁନୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ରାଜମହଲ ଛକ, ଏଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀରେ ଶୀତ କାକରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇବେନି ନିରାଶୟ। ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା ଚୁଡ଼ାକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? କାହିଁକି ନିରାଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ? କ'ଣ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି? କେବେ ଦୂର ହେବ ଏହି ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରିଚ୍ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ସରୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।